की आवश्यकता नहीं कि उस आस्था का अनुभव प्रत्येक व्यक्ति को हो रहा हो। प्रत्येक व्यक्ति यदि उसका अनुभव नहीं कर रहा है, नाम की महिमा का बड़ा वर्णन किया गया, भगवान नाम के जप का बड़ा महत्व बताया गया, किंतु उसका अनुभव समान रूप से प्रत्येक व्यक्ति को नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है तो या तो मान ले कि वो जो लिखा हुआ है वो सही नहीं, और यदि वो सही है और उसका अनुभव हमें नहीं हो रहा है, कोई औषधि बहुत जिसकी बड़ी प्रशंसा की गई हो पर उस औषधि के लेने के बाद भी कि हमें लाभ नहीं हो रहा है। एक व्यक्ति कहता है कि इस औषधि से इस दवा से मुझे बड़ा लाभ हुआ, पर दूसरे व्यक्ति को वैसा लाभ नहीं होता है या किसी किसी को लाभ होता ही नहीं, तो फिर स्वाभाविक रूप से उसके मन में संशय उत्पन्न होता है, उसके मन में विभ्रम उत्पन्न होता है। इसलिए इस प्रसंग में मानो यह बताया गया कि औषधि के रूप में आप वैसे तो कैसे भी भगवान का नाम लें, उसका परिणाम अभी या भविष्य में कभी न कभी प्राप्त होगा, और संसार में जो भी क्रिया की जाती है वो तो निरर्थक नहीं होती है, उसका कोई न कोई परिणाम कभी आज और कभी हो सकता है। लेकिन उसकी जो एक पद्धति है और उस पद्धति का ही वर्णन इस प्रसंग में किया गया। अब उसके थोड़ा आज का प्रसंग मैं नहीं जानता, पर मुझे लगता है कि संभव है थोड़ा अधिक गंभीर हो, और मैं आशा करता हूँ कि आप अपनी एकाग्रता से उसे सुनने और समझने की चेष्टा करें। ये जो भक्त शिरोमणि का गुरुसुन्नी है, इनकी जो भक्त साधना है उसका वर्णन रामायण में किया गया। सुमेरु पर्वत पर निवास करते हैं मुसुंडी, ऐसा रामचरित मानस में आप पढ़ते हैं, और उस सुमेरु पर्वत के चार शिखर, और उन पर्वत के चार शिखरों पर चार वृक्ष लगे हुए हैं, और मुसुंडी की उन चारों वृक्षों के नीचे चार साधनाएं चलते हैं। एक शिखर पर सुमेरु के पीपल का वृक्ष लगा हुआ है, जब उन्हें ध्यान करना होता है तो पीपल के वृक्ष के नीचे बैठना है। पीपल बनकर धार को धरे। दूसरे शिखर पर एक पातरी का वृक्ष है, अगर उसे परिचित होंगे, और जब उन्हें जप करना होता है तो पाकर के वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं और जाप यज्ञ पाकर उतर जाते हैं, और जब उन्हें मानसिक पूजा करनी होती है तो आम छान कर मानस पूजा, आम के वृक्ष नीचे बैठ करके वो मानसिक पूजा करते हैं, पीपल के नीचे ध्यान करते हैं, पाकरी के नीचे वो जप करते हैं, और जो वहां पर वट का वृक्ष है तो उसके नीचे बैठ करके वो भगवान की कथा कहते हैं। का हरी कथा प्रसंगा और आवन सुनन अनेक विहंगा। चार वृक्ष हैं, चारों शिखरों पर और जिन साधनाओं का वर्णन किया गया तो वो भक्त साधना का एक दिव्य रूप, और जिसका तात्पर्य क्या है आइए थोड़ा इस पर दृष्टि डालें। पहले तो कहा जाता है कि मनुष्य का मन रोगी है, ठीक है, लेकिन आपने सुना होगा पढ़ा होगा कि मनुष्य का जो अंतःकरण है उसको चार भागों में प्रस्तुत किया गया है, मन बुद्धि अहंकार और चित्त। मन का अर्थ है कि जिसमें संकल्प विकल्प होता है, कभी एक बात कभी दूसरी बात, यह मन जिसके द्वारा हम निर्णय करते हैं वो बुद्धि, निर्णय करने के बाद जिसके द्वारा हम क्रियान्वित करते हैं वो अहम, और इन तीनों के पीछे जो सबको प्रेरित करता है, जो सामने नहीं है सबसे पीछे है, उसी का नाम चित्त है।
उसका मूल तत्व यह है कि हमारे आपके जीवन की समस्या ये है कि मन का नाम तो लिया गया पर मन के साथ ये जो हमारा अंतकरण है उस अंतकरण में ही परस्पर एक विरोधाभास। तो जैसे आपके परिवार में बड़ी संपत्ति हो सामग्री हो और परिवार के लोग ही आपस में लड़ झगड़ रहे हो तो व्यक्ति बेचैन हो जाता है अशांत हो जाता है। तो बाहर भी परिवार में अगर झगड़ा हो तो व्यक्ति बेचैन होता है पर ये भीतर का जो परिवार है इसमें तो झगड़े होता है। और जब ये जो झगड़ते हुए तो ये जो दिखाई दे रहा है दृश्य मन में कुछ और बुद्ध में कुछ और अहंकार किसी और प्रकार का और चित्त का तो मैंने क्या है। तो साधना का समग्र रूप ये है यह चेष्टा करें कि मन भी बुद्ध भी अहंकार भी और चित्त भी ये जो चारों हैं यदि ये शुद्ध हो जाए और शुद्ध होने के साथ इनमें परस्पर समन्वय हो जाए सामंजस्य हो जाए इसमें विरोधाभास रहे इसी को आप भगवान राम के विवाह के प्रसंग में रामायण में पढ़ते तो महाराज श्री जनक के यहाँ जो विवाह हुआ उस विवाह में साधारण किया तो कल्पना ये थी कि सीता जी का श्री राम से विवाह और रूपवत लेकिन भगवान राम और श्री सीता जी का विवाह होने के पश्चात एक नया प्रस्ताव जनक के सामने किया महाराज जनक के यहाँ उनकी एक कन्या है उर्मे और उनके भाई की दो कन्याएं हैं मांडवी और सुतकी और यहाँ भी जो अयोध्या से पधारे हैं श्री राम तो पधारे नहीं लक्ष्मण तो पहले से ही वहीं थे लेकिन दो और राजकुमार श्री भरत और शत्रुघ्न के रूप में आए और जब इन चारों राजकुमारों को नगर निवासी स्त्री पुरुष देखते थे तो स्त्रियां विशेष रूप से भावुक होती थी भावुक होती है और उन्होंने ब्रह्मा को से ये कहा कि हमारे यहाँ भी राजकुल में चार कन्याएं हैं और ये राजकुमार भी चार हैं तो कितना अच्छा हो कि ब्याहिए चारू भाई ये गुरु हम सुमंगल गावे चारों भाइयों का विवाह हो तो हमारा आनंद चौगुना हो जाए पर कोई प्रस्ताव नहीं रख पा रहा है। उसमें जो विश्वासी महिलाएं थी उन्होंने कहा कि नहीं कोई चिंता करने की बात नहीं है सत्य सब कर्म पुराणी पुण्य पयोनिधि भूपदो की इच्छा अवश्य पूर्ण होगी भगवान शंकर की कृपा ये सद्भावना ये संकल्प प्रत्येक जनकवासी स्त्रियों में और पुरुषों में विद्यमान है किंतु बड़ी अद्भुत बात है महाराज श्री जनक के मन में भी बात पहले आनी चाहिए थी या पहले से निश्चय कर दिया जाना चाहिए था और तब जब बारात निकलती तो चार दूल्हे एक साथ वहां पर महाराज जनक के द्वार पर जाते जो जो भक्त लोग हैं वो जो गीत गाते हैं उसको वो चारों भाई दूल्हे को घोड़े पर बैठ के आए ऐसा कहते हैं तो ठीक है उनके मन में जो कल्पना आती है उसके अनुकूल वो कहते हैं पर गोस्वामी जी कहते हैं कि ना एक अश्व पर भगवान राम विराजमान दूल्हा एक बेटी अब इसके तत्व पर विचार कीजिए इसके आध्यात्मिक तात्पर्य पर विचार कीजिए इसका अभिप्राय वर्ग शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ तो फिर प्रश्न है कि क्या चार चार वर होंगे क्या वर तो एक ही होगा अरियो तो सारे संसार में हजारों वर लाखों वर हर वर्ष दिखाई देते हैं और ऊपर बेचारे एक दिन वाले पर होते एक दिन पर रहते हैं दूसरे दिन बेचारे अमर हो जाते जितना सम्मान है खान पान है जितना पूजा है वो एक दिन की है तो ऐसा व्रत तो जो एक दिन रहे और दूसरे दिन समाप्त हो जाए वो तो कोई वास्तविक व्रत तो नहीं। इसीलिए भगवान शंकर के विवाह के प्रसंग में जब देवताओं ने ये कहा कि महाराज अब आप
झूले के रूप में जा रहे हैं तो एक दिन के लिए बैल की सवारी छोड़ करके और कोई बात नहीं। ये आप नंगे प्रभाव पड़ेगा तो वस्त्र धारण कर लीजिए, आभूषण धारण कर लीजिए। तो भगवान शंकर ने हंस करके कहा कि सवारी से और वस्त्र आभूषण से जो व्रत तो प्राप्त होता है वो तो नकली होता है। संसार के दोनों को व्रत तो इन्हीं वस्तुओं से प्राप्त होता है। किसी के पास बढ़िया गाड़ी रहती है तो दूसरे से उधार मिल गया, किराए पर ले लिया, और उन वस्तुओं के द्वारा जो व्रत का प्राप्त होगा वो स्थायी नहीं होगा। तो भगवान का शिव का व्रत जो है वो निरंग वस्तुओं से नहीं है, उससे अपने आप में भर है और उनका व्रत तो शाश्वत है। तो यहाँ पर आध्यात्मिक अभिप्राय यह था कि भाई व्रत तो एक ही है। कई संदर्भों में आपने बात सुनी होगी मीरा जी के का ये जीवन की कथा आपने सुनी होगी, पढ़ी होगी, और उसमें बड़ी सुंदर गाथा आती है। मीरा जी का व्याकुल होकर के परिवार के संबंधों का निर्वाह संभव नहीं हो पा रहा है, परिवार के लोग कष्ट दे रहे हैं, और अंत में वो भगवान के लिए भगवान की दिशा में परिवार से मुक्त होकर के चले वृंदावन में पहुंचते हैं और वो संतों का दर्शन करने की भावना है। तो उन संतों का दर्शन करते हुए उन्होंने सुना कि बहुत प्रसिद्ध संत सनातन देव जी महाराज हैं और उनका दर्शन करने के लिए गई। दर्शन करने के लिए गई तो महा जो शिष्य थे उन्होंने कहा कि मेरे गुरुदेव का नियम है कि वो स्त्रियों को दर्शन नहीं देते, इसलिए आप क्षमा कीजिए वो दर्शन नहीं देते। उनके ऐसे नियम है, अपने को संयमित रखने का उनका एक अपना व्रत था। लेकिन मीरा जी की स्थिति तो बड़ी चुपट की थी और उन्होंने एक ऐसा वाक्य कहा कि सुन करके सनातन गोस्वामी गदगद हो करके भीतर से बाहर निकला। मीरा जी ने कहा कि आज तक मैं तो यही मानती और समझती थी कि वृंदावन में एक ही पुरुष है वो कृष्ण है और कोई दूसरा पुरुष नहीं है, पर पता चला कि दूसरा पुरुष भी वृंदावन में आ गया है। तो संकेत क्या है, जो समस्त जीवों का स्वामी है वो तो एकमात्र ईश्वर है, और जब वो ईश्वर है तो गोपियां अनेक और ईश्वर एक है। यही संकेत बार बार मिलता है। जब वो रासलीला में रासमंडल में भी दिखाई देते हैं तो यही दिखाई देता है कि वो भगवान एक होते हुए भी अनेक अनेक रूपों में प्रत्येक गोपी के साथ दिखाई दे। अभिप्राय यह है कि समस्त जीवों के जीवन में का वस्तुतः भगवान तो एक ही है, भगवान ही वास्तविक पर है, भगवान ही वस्तुतः पति है और वे अनगिनत रूपों में सबको अपने सर में प्रतीत हो, ये महाराज का उद्देश्य। तो मीरा जी के इस वाक्य का सुन करके सनातन जी समझ गए और बड़े गदगद भाव से निकल करके वो मीरा जी से मिले। तो मानो सूत्र यह है कि हृदय में यह सोचा गया कि पहले से प्रारंभ में कहे कि चार चार वर्ष नहीं, वर्ष तो एकमात्र ईश्वर है, पर उस ईश्वर का जो व्रत तो है और वो मिलन होता है, विवाह होता है, कन्यादान हुआ, बंधन बंधन हुआ, बावरी हुई, और जब सारे विवाह की विधियां संपन्न हो गई तभी अभी निश्चय नहीं किया गया कि तीन राजकुमारों का विवाह करना है। जब ये विवाह पूरा हो गया तब महर्षि जनक से गुरु वशिष्ठ ने प्रस्ताव किया कि आप यहाँ की जो तीन कन्याएं हैं अगर इसी मंडप में इन तीनों का विवाह भी तीनों राजकुमारों से कर दिया जाए तो कैसा है। जनक तो सुन के बड़े गदगद हो गए, बड़े प्रसन्न हो गए, और तब वो कन्याएं बुलाई गई और तीनों कन्याओं को बुलाने के पश्चात गोस्वामी जी ने इस विवाह की जो व्याख्या की तो विवाह के प्रसंग में चार दूल्हे एक मंडप में ब्याहे गए एक रूप हुआ। पर गोस्वामी जी जो बात कहते हैं वो ये है कि जब चारों राजकुमार और चारों राजकुमारियां बैठी तो ऐसा लगा कि सुंदरी सुंदर वर्ण सब सब एक मंडप राधे की जब जीव उर चारु अवस्था विभुन सहित विराजे।
चारों राजकुमारियां और चारों राजकुमार को देख के लगता है ये महाराज जनक का मंडप नहीं है, जीव का हृदय। और जीव के हृदय में जैसे चारों अवस्थाएं अपने स्वामियों के साथ रहना, बड़ा स्पष्ट कर दूं, मानव सूत्र यह है कि मन बुद्धि और अहंकार इसी के संदर्भ में इनसे जुड़ी हुई तीन अवस्थाएं। ये जो जागृत अवस्था है इसमें बुद्धि की प्रधानता, मन है वह आप व्यवहार करते हुए बुद्धि से सोच के व्यवहार करते हैं। आप मन में कुछ भी क्यों ना हावे पर आपको लगता है नहीं ऐसे बोलना है, ऐसे कहना है, ऐसे चलना है, तो आपका सारा जागृत अवस्था का व्यवहार बुद्धि से नियंत्रित होता है। और जो नहीं नियंत्रित कर पाता कोई पागल का रहने लगता, मन में जो आगे वही करने लगे तो पागल कहेंगे, तो पागल। तो जागृत अवस्था में हम बुद्धि से निर्णय करते हैं और स्वप्न जो होता है वो मन का राज्य है, वहां बुद्धि बुद्धि कुछ नहीं, कोई सपना बुद्धि मतलब पूर्ण नहीं होता और उसमें कोई क्रम भी नहीं होता, वो सपना शुद्ध मन का खेल होता है। बात ये है ना कि दिन भर तो हम लोग मन को दबाए रखते हैं, मन में कुछ आता है और बुद्धि से कहते नहीं ये चीज नहीं, लोग क्या कहेंगे, ऐसा मत करो वैसा मत करो, तो जैसे किसी को बहुत दबाया जाए और उब जाए, जिससे तरह से बन जाता है उब, तो सपना कैसे आता है। अब शरीर बुद्धि की बात मान करके दिन भर उसने काम काज किया, व्यवहार चलाया, शरीर थक गया, शरीर थक गया तो कहा कि अब तो सोएंगे, तब तो नींद लेंगे, हमें जो लोग सोते होंगे उसका हारते भी बिठाया, कितने थके आए होंगे कि सुनने के लिए प्रस्तुत नहीं है दिया। तो उस समय मन कहता है कि तुमको तो थका ला गई पर हम तो अभी विशिष्ट बात, शरीर थक जाता है और मन थकता नहीं, तो अब वो कहता है कि भाई हम तो सोए, तो शरीर कहता है मन कहता है तुम सो जाओ पर तुम्हारे बिना भी हम देखेंगे, तुम्हारे बिना भी हम सुनेंगे, तुम्हारे बिना भी हम स्वाद लेंगे। और सुनने की विचित्रता क्या है, उसमें दिखाई भी दे रहा आंखें बुझी हुई और दिखाई दे रहा है, तब वहां पर जीभ नहीं चल रही है पर स्वाद की अनुभूति भी हो रही है, श्रवण भी हो रहा है, तो मन उस वक्त माने केवल मन का विस्तार बन रखे। और इसीलिए अटपटे जो सपने आते हैं, विचित्र विचित्र सपने आते हैं, इसका अर्थ है कि बुद्धि का नियंत्रण हो तो सपना भी ठीक ठीक है, तब वैसे जीवन में तो वही अवस्था का क्रम ही है कि पहले पिता होगा पिता का पुत्र होगा, पर सपने में ऐसा भी हो सकता है कि पहले पुत्र जन्म ले ले पिता की बात में, वो कोई क्रम नहीं, ये मन का विचित्र खेल है। सपना माने मन का अद्भुत खेल, इसलिए मनोराज्य का अगर पूरा दर्शन करना हो तो सपने को देखिए, और मन ही वस्तुता है तो अगर उसका वास्तविक नग्न रूप देखना हो तो अपने सपनों पर विचार कीजिए, सपनों की समीक्षा कीजिए या दूसरे से उसका रहस्य जानने की चेष्टा कीजिए, तो आपको और हमें पता चलेगा कि ये सपना क्या सिद्ध करता है। वृंदावन में मैं था, वहां पर जब आश्रम में हमारे एक साथी थे, बहुत छोटी अवस्था की, मैं भी अवस्था छोटी थी, वो भी आए थे भजन करने के लिए। अब स्वाभाविक है कि जब महात्मा के पास रहते हैं कई शिष्य तो सबसे अलग अलग काम लिया ही जाता है और उसमें थोड़ी प्रत्येक व्यक्ति में मानवीय बुद्धि तो होती है, मुझे कभी कभी ये देख करके बड़ा आश्चर्य होता था, हंसी भी आती थी कि अब वो शिवजावती नायक तो उनके यहाँ कोई आकर के बहुत से कम्बल रख गया, घर किसी को बहुत से रजाई भेंट कर गए, वो बात तो उसमें जो वस्तुतः सच्चे साधक थे वो तो उससे मानते थे जो प्रसाद मिला उसकी, पर अब जिनकी बुद्धि वो बड़गप नहीं है, वो वासना तो रुचि नहीं, वो बगल में देखते थे कि इसको क्या दिया और अगर कंबल में भी देखेंगे तो ये देखेंगे कि इसको अच्छा कंबल दिया गया कि मुझे बुरा तो नहीं दिया गया, तो इसको क्यों दी गई, मुझे कंबल क्यों दिया गया। अभी जो दृश्य है इसका अभिप्राय यह है कि मन में
बड़ा लिखा था, ये क्या बात है, इनके ऐसी कैसी भेद बुद्धि है कि वो उसको तो अच्छा संबंध देते रहे, लड़ाई देते रहे, मुझे इतना लड़की दे दिया, लेकिन मैं तो कोई नहीं कहेगा कि आप महाराज ऐसा क्यों कर रहे, अपने मन की बात को तो नहीं प्रकट करेगा। हमारे मुखाजी थे रामचंद्र जी से बड़ी सेवा ली जाती थी और शारीरिक सेवा अधिक ली जाती थी, और कुछ लोगों से कह दिया जाता था तुम जब करो, किसी से कह दिया जाता तुम ये काम करो, उससे कह दिया जाता ये काय करो, उन्होंने बड़े सीधे स्वभाव के। लेकिन मुझसे अकेले में कहा कि मेरे सामने एक बड़ी समस्या है, मैं रह नहीं सकता, पर मैं बता दू तुम्हें क्या, मैं दिन भर इतनी सेवा करता हूँ, बस सपने में देखता हूँ श्री महाराज ने मुझे आज्ञा दिया कि काम करो, मैंने कहे मैं नहीं करूँ, ठीक है, दिन भर मैं सेवा करता हूँ, नहीं कर सकता हूँ। मैंने यही कहा कि भाई इस बार तात्पर्य जिस दिन में भी नहीं करने का मन होता, लेकिन अब बुद्धि कहती है कि नहीं बुद्धि से नहीं कैसे किया जाए, तो जब तक बुद्धि है तब तक तुम नहीं करते हो, करते हो सेवा, पर जब सपने में मन वाले गुरु जी हैं तो उनसे नानी करते हैं तो कोई डर ही नहीं, इसलिए इसका अर्थ है कि वो हमारा जो सपना है वो हमारे मन का ही चित्र है, इसलिए हमारे आराम से मानस में जागृत अवस्था से भी सपने को बड़ा महत्व दिया, तो सपने को महत्व देना वैसे तो कहीं सपना मैंने मिच्छा संसार को भी कहते हैं कि ये सपना की तरह सपने की तरह संसार है, अपनी जगह वो बात है, पर विचार करके देखें तो जो भी सपना दिखाई देता है रामायण में आप देखें पार्वती जी ने स्वप्न देखा, सीता जी ने स्वप्न देखा, सुजेता ने स्वप्न देखा, श्री सीता जी के द्वारा स्वप्न, इन स्वप्नों में जिन्होंने स्वप्न देखा वो सारे स्वप्न सार्थक और सत्य सिद्ध हुए। उसका अभिप्राय यह है कि जिसके अंतःकरण में कहीं पर असत्य का प्रवेश नहीं है उसका स्वप्न भी सत्य होता है। स्थिति में श्रद्धा युक्त पार्वती है, जहाँ पर श्रद्धा पवित्रतम श्रद्धा है वहां पर स्वप्न में संकेत मिलता है। पर इस समय देवर्षि नारद ने पार्वती जी कहा देख करके ये कहा कि इसको तो ऐसा वर मिलेगा कि जिसमें इतने दोष होंगे, बड़े दुखी हो गए माता पिता हिमांचल और मैना, मेरी कन्या इतनी सुंदरी, पर आपने तो कह दिया कि जगत भर में तुम्हारी कन्या होगी जब इतना चित्र भर मिलेगा, क्या बंदना। तो उन्होंने कहा कि एक ही उपाय है कि जितने वर के दोष मैंने बताए हैं वो सब शंकर जी में मिलते, तो बढ़िया बात यह होगी कि शंकर जी से विवाह हो जाए तो ज्योतिष का योग बिगड़ जाएगा, और शंकर जी की विशेषता ये जो दूषण को भूषण बना लेते हैं, इसलिए तुम्हारी कन्या शंकर जी को पाने के लिए तपस्या है। कबड़ी व्याकुल हो गए मेरा एडवेंचर और उससे अधिक व्याकुल हो गई मैना। तो उस समय पार्वती जी ने एकांत में अपनी माता से कहा कि मां आज मैंने एक स्वप्न देखा, सुनाऊं मां तो मैंने देखा सफल सुनाऊं तो ही सुंदर गौर सुमित प्रबल अस उपदेश उमोहि, आज मैंने स्वप्न देखा है एक दिव्य सौंदर्य युक्त तेलो में ब्राह्मण ने स्वप्न में मुझे आदेश दिया कि तुम जाकर के शंकर को पाने के लिए तपस्या करो। अब वो कह सकती थी अरे सपना तो सपना होता है, क्योंकि सचमुच सपने कई लोग के विचित्र ही होते हैं, वो बात तो बोलती ही नहीं, तो एक चुनाव दो चुनाव सर पहले की बात है, वो भोपाल के एक सज्जन खड़े हुए और सब लोग जो खड़े होते हैं चुनाव में तो बताते हैं कि वो क्यों खड़े हो गए, क्या उद्देश्य है। अब उनसे जब पत्रकारों ने पूछा कि आप क्यों खड़े हुए हैं तो उन्होंने कहा भगवान कृष्ण ने सत्य देके आदेश दिया है कि तुम चुनाव में खड़े हो गए। भगवान ने आदेश दिया है तो शायद और बेटियों के जो मतपत्र है हमारे को चाहिए, वो तो ऐसा नहीं हुआ, वो तो बेचारे की जमानत जब्त हो गई इतने कम वोट पे, तो क्या उसने जो सपना देखा था भगवान ने आदेश दिया था क्या, तो उसके मन का खेल था, उसके मन में ये इच्छा होगी कि भाई हम विधायक बन जाए, हम लोगों को बड़ा विधायकों का बड़ा महत्व बढ़ जाता है, और उसको ये लगा होगा कि भाई वो हमारे पास तो उतना द्रव्य नहीं है या हम कैसे लड़ेंगे,
तो उसके मन ने ही एक भगवान का रूप बना लिया और रूप बना करके आदेश दे दिया और वो अपने को धोखा अपने को भ्रमस्त्र डाल दिया कि भगवान का आदेश। इसका अभिप्राय है कि स्वप्न आपके स्वप्न दिखाई दे जाए तो स्वप्न प्रमाण नहीं, पहले आपका मन इतना प्रामाणिक तो हो कि जिस प्रामाणिक मन में कभी कोई गलत बात आती है इतना शुद्ध जिसका मन होगा वास्तविक होगा। तो पार्वती जी का अंतकरण इतना शुद्ध है कि उन्होंने देखा और नारद जी के कहने पर भी जो उत्साह हो रहा था विश्वास कर लिया। उसी प्रकार से त्रिष्ठा ने भी स्वप्न देखा तो त्रिष्ठा के स्वप्न में भी बड़ी बात आती है कि जब श्री सीता जी व्याकुल हैं तो स्वप्न त्रिष्ठा ने ये कह दिया कि आप राक्षसियों को सुना के कहा मैंने आज एक सपना देखा, एक बंदर सपने में आया हुआ, एक बंदर लंका में आया हुआ। हनुमान जी तो चकित हो गए, धन्य की कौन देखी कि मैं इतना छिप करके आया और इसके स्वप्न में भी मेरे आगमन का पता चल गया। तो त्रिष्ठा का अंतःकरण तो परम पवित्र है। त्रिष्ठा का अभिप्राय यह है कि इन जटाएं जहां पर बालक के जैसे रूप में तो श्री सीता जी के प्रसंग में कहा गया श्री सीता जी एक जटा कृष्ण जटा एक श्री सीता जी के सिर पर एक जटा और इस राक्षसी का नाम है त्रिजटा। अब त्रिजटा शब्द जो है ये बड़ी अद्भुत तरह राक्षसी राक्षस जात में जन्म हुआ पर राक्षस जात में स्वप्न हो जन्म होने पर भी वो स्वामी ने कहा त्रिजटा नाम राक्षसी एका शरीर से भले ही राक्षस कुल में जन्म हुआ पर उसकी विशेषता क्या राम चरण रति। इस शब्द पर ध्यान दें राम चरण रति। रति शब्द से द्वार में अश्लील अर्थों में माना जाता है। कपति पत्नी का मिलन है तो उसको रति कह दीजिए पर उस रति शब्द को भक्ति में बार बार प्रयुक्त किया गया। उसका अभिप्राय है कि रति का सांसारिक अर्थ दो का एक दूसरे से अत्यंत निकट हो जाना। तो ये जो निकटता है वही रति की वृद्धि जब भगवान के चरणों में समा करके बिल्कुल एक हो जाए तो मानो ये भगवान के चरणों में रति कितने एकाकार हो गए भगवान के चरणों से इतना मन एकाकार हो गया कि अब भगवान का चरण और मन जो है वो अलग नहीं रह गया। तो ये जो त्रिजटा है कैसे तो है तो त्रिजटा तो त्रिजटा का अर्थ ये है ये जो ध्यान और साधना की पद्धति है उस पद्धति में तीन होती है वस्तुएं ध्येय ध्याता और ध्यान यही तीन जटाएं है। ध्येय माने जिसका ध्यान करना है ध्यान ध्याता माने जो ध्यान करने वाला है और जो क्रिया की जाती है उसी का नाम है ध्यान। तो ये जो ध्याता ध्यान और ध्येय है इन्हीं से पहले आप जब बैठेंगे तो आप मानेंगे मैं ध्यान कर रहा हूँ फिर आप करेंगे मैं ध्यान कर रहा हूँ फिर आप ये निर्णय करेंगे अच्छा किसका ध्यान करना है। तो ये जो है जब तक केवल अलग अलग है तब तक अपूर्णता है। एक जटा का अभिप्राय की श्री सीता जी जो साक्षात परा भक्ति है मैं ऐसा करता हूँ आप एकाग्रता से समझ रहे हो कि वो जब ध्याता ध्यान ध्येय ये तीनों मिलके एक हो जाए जब तक ये लगता रहे कि मैं ध्यान कर रहा हूँ इनका ध्यान कर रहा हूँ ये ध्यान है तब तक है लेकिन वो परिपूर्ण नहीं। पर जब ऐसी स्थिति आ जाए कि ये तीनों सिमट करके एक हो जाए ऐसी पराकाष्ठा होती तो वो जो स्थिति होती है वही है सर्वोच्च स्थिति और वो सीता जी के रूप में जाता है। सीता जी एक जटा है किंतु यहाँ पर एक जटा होना सरल तो नहीं है साधना का प्रारंभ तो किसका से होगा। अब यहाँ पर सीता जी जो है लीला में अत्यंत अपने आप में दुखी दिखाई दे रहे हैं दुखी दिखाई दे रही है उसको एक और रख दें मानो साधना का सत्य प्रकट करने के लिए ये लीला रची है। तो अब वो जटा जो है वो रामचरण रति भगवान के चरणों में उसकी इतनी वृद्धि है कि वो ध्यान करते करते पूरी तरह से सदाकार हो गए
और निपुण विवेक, विवेक में स्थित है, तो आपको जो स्थिति सीता जी की है वो एक दिव्य अनुर्वचनीय एक जटा की स्थिति है, पर व्यवहार में उनकी स्थिति स्वयं और आकृतियों से मिली गई, और ये स्थिति हमारे आपके जीवन में किसी के लिए हो सकती है। आप पूजा के घर में बैठे हुए हैं, हो सकता है कि आप उस समय के लिए संसार को भूल जाए, पर आप जब भी व्यवहार में आते हैं तो राक्षस राक्षसियों से बाहर और भीतर मिल जाते हैं। तो उस परिस्थिति में ये जो स्वप्न है मानो ऐसा अंतकरण जिसका विवेक और भक्ति से उसका क्रोध है, वो सीता जी को श्री सीता जी विराजमान है और उनके सामने सपना सुनाती है कि आज मैंने सपना देखा कि बंदर आया हुआ, और बंदर आया हुआ है तो हनुमान जी चकित हो गए। मैं तो सोचता था लंका में संत कहाँ होंगे, लेकिन यहाँ तो ऐसे ऐसे संत हैं कि देख के आश्चर्य होता है, चकित हो गए। और हनुमान जी के आश्चर्य की सीमा तब नहीं रही, ये सीता ने कहा कि मैंने सपना देखा है कि एक बंदर आया हुआ है और लंका को जला रखा। अब हनुमान जी बड़े संकट में, प्रभु ने मुझे लंका जलाने के लिए कहा नहीं, सीता कह रही है कि बंदर लंका जला लेगा तो प्रभु के आदेश को माने कि सीता के स्वप्न को माने। हनुमान जी के सामने प्रश्न है कि सपने में वो कह रही है, प्रभु ने तो इतने हनुमान जी से कहा है कि हनुमान तुम जाओ और जा करके कई बहु प्रकार सीतनी समझाये हूँ, कई बल विरह में तुम आये हो, ऐसी स्तुति में इस अंत और गंध अंत में ऐसी अनोखी बात, भगवान की प्रत्यक्ष आज्ञा जो है वो अधूरी और सीता का स्वप्न ही पूरा। सीता का स्वप्न इसका अभिप्राय यह है कि मानो भगवान हनुमान जी ने लौट के यही कहा कि प्रभु मुझे तो आपने लंका में भेज के बड़ी कृपा की, क्या बोले मेरे मन के बहुत से भ्रम दूर हो गए, ब्रह्म ने हंस की बात तुमने भ्रम वहां के लोगों का दूर किया। बोले नहीं प्रभु, जब मैंने श्री सीता जी को ढूंढा और नहीं मिली और विभीषण का घर दिखाई पड़ा तो मैं सोचने लगा कि यहाँ कहाँ से जल कर बस लंका में संत कहाँ हो सकता है, पर आपने दिखा दिया हनुमान, ये ना समझना तो भी संत हो, मैं तो अपने विनम्र है, आपने तो दिखा दिया कि और ऐसे विलक्षण संत कि जिनको आपने वह बता दिया तो मुझे भी नहीं बताया, मुझे लंका जलाने आपने मुझे नहीं बताया, पर सीता को सपने में बता दिया कि वो मैं उन्हें नहीं बताया तो मैं बता रहा हूँ तुम उनसे कह रहे। और हनुमान जी ने उसे इतना प्रामाणिक मान लिया और उस पर मुहर लग गई। जब रावण ने आदेश दिया कि मारना तो नहीं है पर बंदर के पूंछ में कपड़ा लपेट करके लगा दो, तो हनुमान जी समझ गए धन्य है सीता, सचमुच लंका जलाना है, लेकिन कैसी अद्भुत बात है कि मैं लंका जलाने के लिए कहा घी लाता, तेल लाता, कपड़ा लाता, आग लाता, सारा प्रबंध रावण से प्रभु ने करा दिया। उस मनो इतना स्वप्न प्रामाणिक हो सकता है जिसका अंतःकरण मन परम पवित्र है शुद्ध है एकाग्र है, वो स्थिति तो सर्वोच्च स्थिति। तो अपना व्यवहार तो बुद्धि के द्वारा संचालित होता है और स्वप्न मन के द्वारा, और वो मन अंतसंग है या विरुद्ध है तो कुछ भी करे अच्छे सपने आ जाएंगे तो कभी बुरे सपने आ जाएंगे। और तीसरा जो एक और है वो कौन है, कवर से व्यवहार में जो मैं बोलते हैं मैं करता हुआ और हम सब करते हैं, पर मेरी नींद में आप सो गए जब सपना भी नहीं दिखाई दे, तो उस समय बुद्धि भी नहीं दिखाई दे रही, बुद्धि भी कोई सोचने का प्रश्न नहीं, और मन जो है वो भी वहां स्वप्न के रूप में समाप्त हो चुका है, तब कौन कोई है कि नहीं, और तब वो एक है जिसको कहते हैं अहम। कैसे पता चले, जब आप गहरी नींद के बाद सो के उठेंगे तो आप ये कहेंगे कि आज मैं बड़े सुख से सोया, वह अनुभव करने वाला कौन था, इसी वो मैं कह रहे हैं आप मैंने, इसका अभिप्राय कि वो मैं था। और आप देखते हैं कि वो मैं जो है कैसा विलक्षण आदेश का पालन करता है, ये जो कहते हैं और वो ठीक किए जो सोच करके सोए कि इतने बजे नींद खुल जाए और नींद खुल जाती,
खातिर प्राय तो जो अहम के द्वारा अहम जो वहाँ पर सक्रिय है, मन बुद्धि भले सो गई पर अहम जो है वहाँ पर पीछे सक्रिय है और वो समय पर आपको जला है। और ये जो इन तीनों के साथ ये तीनों अवस्थाएं हम और आप में से देखते हैं, पर वो समस्या वही है कि उन तीनों में भिन्नता। अब इन सबको मिलाने का उपाय क्या? तो मिलाने का उपाय है कि इनकी तीनों की चिंता अगर आप कीजिएगा तो समस्या का समाधान नहीं होगा। विवाह पहले सीता जी और श्री राम का हो जाए और तब उन तीनों का विवाह सरलता से हो जाए। इन तीनों के पीछे जिसको कहते हैं चित्त, चित्त माने ये जो इसी जन्म के नहीं, आधुनिक मनोविज्ञान में आप किसी मन का रोगी कहीं डॉक्टर के पास जाता है तो पूछते हैं अपने लड़कपन की घटनाएं सुनाइए, यहाँ बताइए क्या क्या कैसे हुआ, और उस पर वो निष्कर्ष निकालते हैं क्या बाल्यावस्था में इसमें भय बैठ गया या ये वृद्धि आ गई या इस तरह की आ गई, इसी से ये रोग उत्पन्न हुआ। आधुनिक मनोचिकित्सक इसका उपयोग करते हैं, ठीक है, उसका महत्व है। लेकिन हमारी ये जो परंपरा है ऋषि मुनियों की, वो कहती है कि ये तो अधूरी बात है। बाल्यावस्था में कोई बात हुई तो बाल्यावस्था में कोई घटना होगी तो प्रभाव तो बच्चे के मन पर पड़ता है। आपने कोई डर देखा दिया तो डरने लगा, आपने और कोई ऐसी अटपटी बात जो आपने की और आप समझते थे कि ये बच्चा तो समझ नहीं रहा और वो उसको दृश्य को देख रहा है पर उसके मन में कोई ना कोई इसका वो बैठ गया और वो कभी उसके जीवन में रोक के रूप में उठता है। पर हम सब तो पुनर्जन्मवादी हैं, हम सब तो ये मानते हैं कि नहीं, व्यक्ति का यही जन्म थोड़ी है, इसके पहले भी उसके अनेक अनेक जन्म हो चुके हैं। गीता में एक तो आता है कि भगवान का अर्जुन से जब उपदेश देते हैं तो उपदेश तो स्वयं दे रहे हैं तो ठीक, लेकिन वो कहने लगे कि ये जो ये विज्ञान मैं तुम्हें दे रहा हूँ, क्या इसको पहले मैंने सूर्य को दिया और सूर्य ने फिर मनु को दिया और तब से राजाओं को मिला अर्जुन को का मेरा, आपने सूर्य को दिया सूर्य ने मन को दिया। मुझे एक उल्टी बात ध्यान में आ गई, कभी कभी पत्रकार कहां किस श्रेणी के मिल जाते हैं वो मैं भूल नहीं पाता हूँ। अभी देहरादून में कथा थी और एक समाचार पत्र में बड़े विस्तार से कथा छप रही थी, मैं नहीं देखता था, लोग देख रहे होंगे ठीक है, तो एक दिन किसी ने पढ़ा उसको और कहा कि देखिए तो क्या छपा हुआ, तो जो मैंने पढ़ा तो मैंने तो सिर्फ मैंने कहा कि या तो कहीं तू पढ़ने वाला होगा मुझे कागज समझेगा या इस पत्रकार को कागज समझेगा, क्योंकि उसमें तो बड़ी विस्तृत बातें छिपी हुई थी। और वो था ये कि मैंने महाराज मनु की भी चर्चा की थी और कुंभन दास की चर्चा की अलग अलग प्रसंगों में, तो कुंभन दास के प्रसंग में बात आती है कि जब सीकरी में अकबर रह रहा था तो गुणग्राही स्वभाव के कारण उसने कुंभन दास जी की प्रशंसा सुनी तो निमंत्रण देके उनको कहा कि आप राजे चले गए। तो वो लौट करके आए तो अकबर के पास से राजा के पास से कोई आया तो लोग पूछने लगे महाराज अरे आगरा में तो आपको बादशाह ने बुलाया था, कैसी यात्रा रही? तो कुंभन दास जी ने उस समय जो पद कहा वो संत की भाषा में उन्होंने यही कहा, संतन को कहा सीकरी सो काम, अरे संतों को पता को सीकरी से क्या लेना देना, संतन को कहा सीकरी सो काम और आवत जात पनहिया टूटी, यही हुआ, आवत जात पनहिया टूटी और बिसर गए हो अपना, और जाको मुख देखत दुख लागत ताको परिवो करी सलाम। तो कुंभन दास लाल गिरधर और समय देखा, संत की व्याकुलता प्रकट होती है कि काम फंस गए और वो निरर्थक समय नष्ट हुआ, तो संत कितना निरपेक्ष होता है। तो ये बात बता भी कही गई थी महाराज मनु के प्रसंग में उनकी साधना का वर्णन, पर सरकार ने लिखा था कि जब मनु महाराज अकबर के दरबार में गए
साधारण जादूगर
जब जादू निकलता है तो व्यक्ति भेद नहीं समझता, बिल्कुल बुद्धि स्तब्ध हो जाती है। और जब भगवान जो है उनकी माया का जादू ये संसार कितना विलक्षण कितना अद्भुत है, मुझे बनाता है। एक ऋषि यात्री आया वृंदावन में, त्रिवेद महाराज तो उसने कहा बड़ा कोई चमत्कार दिखाई, वे लोग को चमत्कार देखने का बड़ा शौक रहता है। और विदर्शी इस बात को सुन के और आते थे कि यहाँ के साधु बड़े चमत्कारी होते हैं। अब वो साधारण चमत्कार है कि भाई आकाश से बड़ा बरसने लगे तो चमत्कार हो गए, आकाश से फूल बरसने लगा तो चमत्कार हो गया। ठीक है, जिनको ये चमत्कार लगता है उसका आनंद ले, पर बाबा ने कोई चमत्कार नहीं किया। उन्होंने कहा अरे इतना बड़ा चमत्कार तुम देख रहे हो, ये शरीर ये इंद्रिया का कैसी विचित्र रचना हुई है, तब उस रचना पर तो तुम दृष्टि डालो, या कोई इससे बड़ा चमत्कार हो सकता है क्या। उन्होंने कहा तुमने ध्यान नहीं दिया कि इस मस्तिष्क की रचना कैसी हुई है, ये इंद्रिया कैसे कार्य करती है, तो तुम चमत्कार तुम बाहर तोड़ रहे, तो सचमुच ये जो चमत्कार है कितना अद्भुत है। तो कबीरदास जी से किसी ने कहा अरे वो तो नौजवान मर गया, तो कहीं बड़े तुम आश्चर्य में क्यों मर गया। तो उनका महाराज एक युवक मर गया और आपको आश्चर्य नहीं लग रहा, उन्होंने बड़ी बड़ा सुंदर बात कहा क्या बोले, अगर किसी तोते को पिंजरे में रखना हो तो उस पर एक दरवाजे रखते हैं, उसको भी बंद रखते हैं क्योंकि खुलेगा तो तोता निकल जाएगा। पर उन्होंने कहा इस माया ने ऐसा पिंजरा बनाया कि जिसमें 10-10 दरवाजे हैं, शरीर मानो पिंजरा है और इसमें 10 दरवाजे हैं, और इसमें पक्षी कौन सा, वो पक्षी तो दिखाई देता है, इसमें श्वास का पक्षी रहता है। और वो कहते हैं कि 10 द्वारे का पिंजरा और तारे पंछी पौन, अरे रहने को आश्चर्य है गए अच्छा पापों, कितने दिन रह गया यही आश्चर्य है चला गया तो क्या आश्चर्य। मनो संकेत है कैसी रचना है कैसे कार्य कर रहा है ये अद्भुत, ये जो महाराज की अद्भुत रचना है सारी सृष्टि पर आकाश पर नक्षत्रों पर आप दृष्टि डालिए, इसका रहस्य तो जानने वाला कौन है। भगवान ने स्पष्ट कह दिया मावे में एक भक्त माया में काम करते जो मेरा आश्रय लेते हैं वही इस माया को पार पा सकते हैं, नहीं तो नहीं कुछ पा सकते। इसलिए महाराज जनक ने महामाया आदि शक्ति सीता को पार करके ही वो प्रसन्न नहीं हो गए, वहां को चमत्कार प्रारंभ से दिखाई देने लगा। भगवान राम के जन्म के समय वैसा चमत्कार नहीं हुआ जितना माया शक्ति सीता के जन्म के समय हुआ, क्योंकि भगवान राम को सीता जी के गर्भ से जन्म लेते हैं तो बालक लेते ही हमारे गर्भ से जन्म, पर हल चलाते हुए पृथ्वी से जन्म हो जाना माया का अद्भुत विलक्षण प्रभाव सामने आता गया। पर जनक धन्य माया को पा करके उन्होंने ऐसी साधना किया ऐसी चेष्टा किया कि माया नाथ स्वयं आ गए, और उसका अर्थ है कि जादू का रहस्य जादूगर जैसा जानता है, न तक में तो विकट कपट खंगर आया न तक सेवक कहीं व्यापी माया, जादूगर जानता है और जादूगर जिस चेले को बता देता है कि अरे भाई ये ऐसा ही है। बस इस तरह से मानो साधना का जन्म फल क्या, सीता जी को प्राप्त करके ब्रह्म और उसकी सीता का मिलन जो है माया मायानाथ का मिलन, तुरी और ब्रह्म को चौथी अवस्था कहते जागृत पक्ष और तुरी है, और उस दिव्य मिलन एक बार हो जाए साक्षात्कार हो गया तो फिर तीनों अवस्थाएं और उन तीनों स्वामियों का इतना दिव्य मिलन होता है ये ऐसा लगने लगता है कि मुदिता वज्रपति सकल सूत्र वरुण समेत निहारी जब पायो मणिपाल मन ये सहित फल चाहे, मानो ये मन बुद्धि चित्त अहंकार जागृत स्वप्न सुषुप्ति पूरी है
इनका ठीक ठीक सामंजस्य अगर जीवन में हो जाए तो व्यक्ति धन्य हो जाएगा, सुखी हो जाएगा। और ये जो चार वृक्ष है, इन चार वृक्षों में एक वृक्ष के द्वारा मन की समस्या का समाधान, दूसरे वृक्ष के द्वारा बुद्धि की समस्या का समाधान, तीसरे के द्वारा चित्त की समस्या का समाधान और चौथे के द्वारा अंधकार की समस्या का समाधान। ये जो चारों वृक्ष है इसमें चार प्रकार की साधना है, ध्यान, मानसिक पूजा, जप और कथा। इन चारों के ठीक ठीक उपयोग किया जा सके और ये चारों वृक्ष तो घर में तो नहीं लगाए जा सकते, पर हमारे आज के जीवन में सुमेरु पर्वत बन जाए, सोने का पर्वत और उत्तर वृक्ष उगाए, बड़ी विचित्र बात। बस का अभिप्राय है कि उसका कण इतना समुन्नत हो जाए, ऊपर उठ जाए कि उसमें उस समुन्नत स्वर्ण पर माने, स्वर्ण माने जो अग्नि में जलाने पर भी जो अपनी उज्ज्वलता का परित्याग नहीं करता, ऐसा जब अंतःकरण सुमेरु और उसमें ये चार वृक्ष और चार प्रकार की साधनाएं हो सके तो वह स्थिति प्राप्त हो जाती है जो काल कुसुंडी को प्राप्त है, और वही काल कुसुंडी गर्भ को मानस रोगों की भक्ति रूप औषधि बताते हैं, उनकी चर्चा तो खड़ी हो सकती है।